सारेगामा कारवा विद हार्मन गार्डन स्पीकर्स। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। अगर आपको भी मेरी तरह पुराने गानों की धुन में मगन होना पसंद है, लेकिन म्यूजिक एप्स पर सब्सक्रिप्शन के झंझट में नहीं पड़ना है आपको और एड्स फ्री म्यूजिक सुनना है, तो आप जानते हैं सारेगामा कारवा आपके मनोरंजन के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे इसी क्लासिक सॉन्ग्स के कलेक्शन में से मैंने आज की प्लेलिस्ट चुनी है, जो कि उस फिल्म से है जो 60s के दौर की वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेनस्ट्रीम हिंदी फिल्म्स में से एक थी और मैरिटल इनफिडेलिटी पर बनी थी। मैं बात कर रही हूं 1963 की फिल्म गुमराह की। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था बी.आर. चोपड़ा जी ने और लीड एक्टर्स थे सुनील दत्त, अशोक कुमार, माला सिन्हा, निरुपा रॉय, देवेन वर्मा और शशिकला। म्यूजिक वॉज कंपोज्ड बाय रवि, जिसमें लिरिक्स थे साहिल लुधियानवी जी के। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी। वैसे इस फिल्म का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आजकल के ज़माने में कुछ नया नहीं है, लेकिन 60s के दौर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इशू को ओपनली डिस्कस करना, उस पर एक फिल्म बनाना वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड क्वाइट बोल्ड। इनफैक्ट इन गुमराह माला सिन्हा डिड हर वन ऑफ द बोल्डेस्ट रोल्स एवर। उस दौर में नो एक्ट्रेस एक्चुअली डेयर्ड टू डू अ रोल ऑफ अ वुमन जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, वो भी बी.आर. चोपड़ा के प्रोडक्शन में। बाय द वे, माला सिन्हा बी.आर. चोपड़ा जी की फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक थी एंड वाज आल्सो लाइक फैमिली। वो बी.आर. चोपड़ा की टीम की अहम हिस्सा बन चुकी थी, चाहे वो धूल का फूल हो, गुमराह हो या फिर धर्मपुत्र। माला सिन्हा की बेस्ट परफॉर्मेंसेज ज्यादातर बी.आर. चोपड़ा जी की फिल्मों में ही रही हैं और गुमराह उनके दिल के काफी करीब थी। इस फिल्म में माला सिन्हा की परफॉर्मेंस देखकर दादा मुनि ने उनकी खूब तारीफ की थी। इस फिल्म में वैसे तो वो उनके हस्बैंड के रोल में थे, लेकिन असल जिंदगी में दादाजी की उम्र के थे। चलिए इस फिल्म से जुड़ी और भी बातें आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं इस फिल्म से साहिल लुधियानवी जी की उस कॉम्पोजिशन को जो एक्स लवर्स का एंथम बन चुका था 60s में। वो गाना जो पहले साहिल लुधियानवी जी की पोयम की तरह पब्लिश हुआ था अंडर द टाइटल खूबसूरत मोड़ इन हिज बुक तखलिया। गाना है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। कितना खूबसूरत गाना है, मिल के सुनते हैं, मिल के एंजॉय करते हैं। गाया है इसे महेंद्र कपूर जी ने। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरी यानी रुचि के साथ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं
कि ये जलवे पराए हैं मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की तुम्हारे साथ भी गुजरी साए हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार। कारवा क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। इन हवाओं में इन फिजाओं में इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो तुझको मेरा प्यार पुकारे हो 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 लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के उनको कुछ भी याद नहीं है उनको कुछ भी याद नहीं है अब कोई सौ बार पुकारे आ जा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो ओ हो हो इतनी जल्दी खत्म फसाने
खो जाएंगे। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। तुम बेगाने बन जाओगे हम दीवाने हो जाएंगे। कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था, आज अश्कों का हार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। सिंगर महेंद्र कपूर और कंपोजर रवि ने एक साथ पहली बार गुमराह फिल्म में काम किया था, लेकिन ये एसोसिएशन फर्स्ट प्लेस में कभी बनता ही नहीं अगर गुमराह फिल्म के गाने कोई और सिंगर गाता या कंपोज कोई और करता। यानी कि गुमराह फिल्म के गानों के लिए रवि की पहली प्रेफरेंस मोहम्मद रफ़ी साहब थे, लेकिन उस दौरान रफ़ी और बी आर चोपड़ा जी के बीच में थोड़ी कुछ गलत फहमियाँ हो रखी थी, इसलिए बी आर चोपड़ा जी ने रवि से कहा कि वो महेंद्र कपूर को साइन करें। गुमराह के बाद रवि ने महेंद्र जी के साथ काम करना कंटिन्यू किया, लेकिन उन्हें अपनी कॉम्पोजिशंस को महेंद्र जी के वोकल लिमिटेशंस के साथ में एडजस्ट करना पड़ता था। ऑल्सो फिल्म के म्यूजिक कॉम्पोजिशन के लिए रवि भी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। जी हाँ, गुमराह फिल्म रवि और बी आर चोपड़ा जी की भी पहली एसोसिएशन थी, लेकिन रवि को ये फिल्म सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि एस डी बर्मन साहब ने बी आर चोपड़ा जी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। सो बी आर चोपड़ा के साथ म्यूजिक कंपोजर रवि और सिंगर महेंद्र कपूर दोनों का पहला एसोसिएशन ही था। इसके बाद वो अलग बात है कि महेंद्र और रवि जी के साथ में बी आर चोपड़ा जी ने 9 फिल्में की थी, नेमली वक्त, हमराज, आदमी और इंसान, धुंध, निकाह, तवायफ, आज की आवाज़, दहलीज और आवाम। इन फिल्मों के जितने भी गाने महेंद्र कपूर जी ने गाए थे वो सभी हिट हुए थे। वैसे सुना है गुमराह फिल्म के लिए महेंद्र कपूर जी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और उन्होंने काफी टेक्स दिए थे टू परफेक्ट हिज सॉन्ग्स। ऑल्सो काफी सालों बाद एक इंटरव्यू में रवि जी ने अपनी नाराजगी जताई थी महेंद्र जी को लेकर के, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि महेंद्र जी ने अपनी सक्सेस में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, इवन दो महेंद्र के ज्यादातर हिट गाने रवि जी के ही कॉम्पोजिशंस थे। वेल, आर्टिस्ट्स के बीच ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन उनका काम, उनकी फिल्में, गाने एक कॉमन वजह बन जाते हैं उन्हें साथ में याद करने की और उनके काम को अप्रिशिएट करने की। वैसे क्या आप जानते हैं गुमराह फिल्म का एक सीन ऐसा था जिसके लिए अशोक कुमार जी ने अपनी रियल लाइफ के एक किस्से से इंस्पिरेशन ली थी। क्या था ये किस्सा बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनते हैं गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में ये अगला गाना। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। जैसे मेरा दिल आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। आके अब तो चांदनी भी जर्द हो चली, हो चली धड़कनों की नर्म आंच सर्द हो चली ढल चली है रात आके मिल आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा।
राह में बिछी हुई है मेरी हर नजर, हर नजर, हर नजर। मैं तड़प रहा हूँ और तू है बेखबर, बेखबर, बेखबर। रुक रही है सांसें, आके मिल, आके मिल, आके मिल। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। Hope you're enjoying the show. इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। पर
पर जो मांगे से न पाया वो सिलाया दाया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याल दिल नाशाद आया, आप आए आज वो बात नहीं फिर भी कोई बात तो है, मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है, हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याल दिल नाशाद आया, आप आए। वेलकम बैक टू द शो, कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। और आज की ये जो प्लेलिस्ट है ये बेहद ख़ास है, क्योंकि एक ऐसी फिल्म के गाने मैं आपको सुना रही हूं जिसके सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। आप जानते हैं गुमराह फिल्म के गानों को इस एपिसोड में मैं लेकर के आई हूँ और हम इस फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं मिल करके। वैसे इस फिल्म का एक सीन था जिसमें अशोक कुमार अपनी वाइफ और लवर के साथ बैठे हुए होते हैं, और इस सीन में एक्ट्रेसेस तो चुप हैं लेकिन अशोक कुमार टॉक्स नॉनस्टॉप। ये सीन अशोक कुमार जी के दिल दिमाग में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा था उन्हें, तो क्या आप जानते हैं सीन को 3 दिन तक अशोक कुमार ने अपने घर में अपनी वाइफ के साथ इम्प्रोवाइज किया था। उनकी वाइफ ना थोड़ी बहुत परेशान भी हो गई थी अशोक कुमार जी से, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अशोक फिल्म के लिए वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वेल व्हाटएवर इट वाज इट वर्क्ड। अशोक कुमार जी ने अपने और उनकी वाइफ के बीच हुए कॉन्वर्जेशन को जॉट डाउन किया था और बी आर चोपड़ा जी को दिखाया था, उन्हें भी वो अच्छा लगा था, सो इट वॉज यूज इन द फिल्म। फिल्म के रिलीज होने पर जब अशोक कुमार जी की वाइफ ने फिल्म देखी तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा कि ये क्या बात हुई, हमारे बीच हुई प्राइवेट बातों को आप पब्लिक में लेकर के आ जाते हैं, ये ज़रूरी है क्या? फिर अशोक कुमार जी ने उन्हें रिप्लाई में ये कह कर के समझाया कि ये भी उनके लिए कॉम्प्लीमेंट ही है, क्योंकि दैट सीन केम आउट सो नेचुरल एंड सो ब्यूटिफुली इन द फिल्म। वैसे अशोक कुमार जनरली कैमरा के सामने वैसे ही रहते थे जैसे ऑफ कैमरा, विच इज़ वाई उनके कैरेक्टर्स में इतनी ऑथेंटिसिटी दिखती थी। आइए आपको सुनाती हूँ गुमराह फिल्म से ये अगला गाना, जिसमें महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी की भी आवाज़ है। सुनिए ये गाना और रहिए मेरे साथ कारवा क्लासिक्स रेडियो शो पर, मैं हूँ रुचि। रुक ना पाऊं मैं,
खींचती आऊं मैं रुक ना पाऊं मैं खींचती आऊं मैं दिल को जब दिलदार पुकारे आ जा जा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे इन झरनों में इन फूलों में तुझसे रंगत तुझसे मस्ती इन झरनों में इन फूलों में तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में मछली मछली जाए शोख मंगे दो बाहों का हार पुकारे आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे पर तेरे लब के साए सांस में तेरी सांस की खुशबू जुल्फों का हर बीच बुलाए जुल्फों का हर बीच बुलाए आंचल का हर तार पुकारे आ जा जा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे लाख बलाए सर पर टूटे अब ये सुहाना साथ न छूटे लाख बलाए सर पर टूटे अब ये सुहाना साथ न छूटे तन से चाहे जा छूट जाए हाथ से तेरा हाथ न छूटे मुड़ के तकना ठीक नहीं है मुड़ के तकना ठीक नहीं है अब चाहे संसार पुकारे आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवा से सुन रहे हैं सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें पर हक अपना जताया घर वालों ने
परदेसी की मर्जी कर दी। प्यार के वादे हुए ना पूरे, रह गए सारे ख्वाब अधूरे। छोड़ के साथी और हम साए, जल्दी लड़की देश पर आए। क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ। गुमराह फिल्म का मलयालम रीमेक भी बना था 1970 में। इस फिल्म के लिए बीआर चोपड़ा को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर थर्ड बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। साथ ही महेंद्र कपूर जी को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर और शशिकला जी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। सुना है गुमराह फिल्म का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली दिलीप कुमार और उनकी तब की लव इंटरेस्ट कामिनी कौशल की स्टोरी से लूजली इंस्पायर था। सच है कि नहीं ये हम नहीं जानते, बट क्या आप जानते हैं कि बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा अपने पिता की ब्लैक एंड वाइट फिल्मों को कलर में रिलीज करना चाहते थे ताकि नई जनरेशन को उन क्लासिक फिल्मों के बारे में पता चले जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को शेप दिया है। रवि चोपड़ा अपने पिता की जो चार फिल्मों को कलर में रिलीज करना चाहते थे वो थी नया दौर, गुमराह, कानून और धूल का फूल। वैसे इस फिल्म में सुनील दत्त का भी खास रोल था। 60s के दौर में सुनील दत्त ने बीआर चोपड़ा की फिल्में गुमराह, वक्त और हमराज के साथ हैट्रिक अचीव किया था। ऑल्सो 30 सालों बाद सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त ने भी सेम टाइटल नेम गुमराह में श्रीदेवी जी के साथ में काम किया था। वेल, गुमराह फिल्म की कहानी आज शायद इतनी कंट्रोवर्शियल ना हो लेकिन 60s में ऐसे टॉपिक छेड़ने की डेयरिंग जो बीआर चोपड़ा जी ने की थी वो सच में काबिले तारीफ है। तो चलिए सुनते हैं सुपरहिट फिल्म से अगला सुपरहिट गाना। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। एक थी लड़की मेरी सहेली, साथ पली और साथ ही खेली। फूलों जैसे गाल थे उसके, रेशम जैसे बाल थे उसके। हम उसको गुड़िया कहते थे, रंगों की पुड़िया कहते थे। सारे स्कूल की प्यारी थी वो, नन्ही राजकुमारी थी वो। एक दिन उसने भोलेपन से पूछा ये पापा से जाके, अब मैं खुश रहती हूँ कैसे, सदा ही क्या खुश रहूंगी ऐसे। सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा।
पर चंचल लड़के ने छुप छुप कर छुप के से लड़की की तस्वीर बनाई और ये कहकर उसे दिखाई। एक दिन उसने भोलेपन से पूछा ये अपने साजन से, अब मैं खुश रहती हूँ जैसे सदा ही, क्या खुश रहूंगी ऐसे। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।